सो गाइस अभी निकल गए हम लोग अपने होटल की तरफ और आप लोगों को पहुंच के बताते हैं हमारा होटल काफ़ी मस्त होटल है और दो दिन के लिए किया है हमने और बाकी आपको पूरा रूम टूर देते हैं। और बाकी आज है डे फर्स्ट इन उदयपुर, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। सुबह सुबह की चाय, सुबह पोहा खाया, नाश्ता किया और कमन ढोकला खाया, काफ़ी मस्त। और अभी ड्रोन शॉट भी लिया तो वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा आई गेस स्टार्टिंग में। और अभी जाएंगे, जल्दी तैयार होंगे, नहाएंगे, अपने गैजेट्स चार्जिंग पे लगाएंगे और फिर निकल जाएंगे कहीं घूमने के लिए। और आपको दिखाते हम कहाँ घूमते, आज का प्लान क्या क्या है घूमने का। कि राइडिंग में तो बहुत मज़ा आया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। हम लोगों का राइड जो था नासिक टू उदयपुर, बहुत मज़ा आया यार। काफ़ी ठंड था काफ़ी, लेकिन एक दिन में 750 किलोमीटर्स मैंने आज तक नहीं किए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी एक लेक आएगा, आपको वो भी दिखाते, लेफ्ट में रखते हैं गाड़ी, ये देखिए बाजू में क्या दिख रहा है यार, एकदम सुपर। इधर भी आएंगे आपको दिखाने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल, तो ये सामने राइट साइड में काफी मस्त होटल है, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखा है आप लोगों को, शुरुआत से दिखाते हैं पूरा। कल ही आ गए थे हम लोग, कल सुबह निकले थे 5:30 बजे, शाम को 11 बजे पहुंचे। नहीं हाईवे बहुत अच्छा है इसलिए तो कर पाए हम लोग, बहुत अच्छा है। ये लगे है ना पेनियर, इनके साथ ज्यादा स्पीड नहीं कर पाते, ये डब्बे लगे है ना। हाँ इसमें सामान है, जो आप बैग लेके जाते हो तो ये गाड़ी के साथ ये बॉक्स आते है, तो ये गाड़ी में लग जाते है ना। जो आगे चार पीछे। सो गाइस ये है हमारा थर्ड फ्लोर पे रूम एंड ये है इसका एरिया जहाँ से हम लोग आते हैं लिफ्ट से। यहाँ पे अच्छी एक चेयर है, स्टेयरकेस है, मेरा प्रसाद, हाय प्रसाद, एंड आपको चलते हैं रूम को दिखाने के लिए। ये कॉरिडोर रूम्स का काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ किए। हमारा रूम है 310, तो चलते हैं रूम के अंदर की तरफ। सो एंट्रेंस पे घुसते ही आपको मिल जाता है यहाँ पे लगेज रखने का एरिया। सो यहाँ पे हमारे पैनियर्स एंड देन मेरा बैग, लैपटॉप बैग, हेरा प्रसाद का बैग, देन यहाँ पे प्रसाद ने अपने जैकेट्स टांग दिए एंड उसका हुडी, तो मैं भी अपने यहाँ पे कपड़े लगा दूंगा। ये रही कटलरीज, गर्म पानी करने के लिए ग्लासेस एंड ऑल द कॉफ़ी सैशेस, मेरा फ़ोन, मेरा पानी का बॉटल एंड आई डोंट थिंक वी हैव अ फ्रिज। ओके ये रहा वॉशरूम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। तो यहाँ पे आपके टॉवल्स है, ये रहा आपका बेथिंग एरिया, ये रहा बॉम्बिंग एरिया, ये रहा वॉश बेसिन काफ़ी मस्त, और ये रहा मैं आपकी कुछ कुछ किट्स, शेविंग किट्स, शावर कैप एंड ऑल सीन है यहाँ पे काफ़ी मस्त ये भी। और मेरे लिए वॉशरूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉशरूम अगर क्लीन है, बड़ा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी रूम भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वॉशरूम अच्छा होना चाहिए क्योंकि आराम से आप नहा आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद रूम की तरफ, रूम आप देख सकते हो हमने लिया ट्विन बेड, वो मेरा, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, ये प्रसाद का, एकदम मस्त आराम से सोएंगे। एंड अंदर आते हुए बड़ा सा टीवी, पता नहीं हम लोग कितना टीवी देखेंगे क्योंकि घूमने आ रहे हैं, कोई टीवी नहीं देखेगा, लेकिन रात को श्योरली विल वॉच समथिंग। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेबल है तो शायद ये यहाँ पे एडिटिंग कर लेंगे हम लोग, अगर एडिटिंग कर रहे हैं वीडियो ऑन द गो। यहाँ पे हमने हमारे हेलमेट्स रख दिए, ये प्रसाद का हेलमेट, ये मेरा हेलमेट। यहाँ पे ड्रोन चार्ज हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं, तो पहले आके ड्रोन चार्ज कर लिया। आपने वीडियो के स्टार्ट में ड्रोन शॉट देखा होगा, अभी जस्ट लिया है। ये मेरी बाइक की चाबी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है चावलास, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो हम लोग यहाँ पे कभी डिनर ट्राई करेंगे। और ये रिसेप्शन पे हमको हेल्प किया उन्होंने, जगह घूमने वाली। उसके बाद यहाँ पे मेरा टैंग बैग, ये रहा सब सामान, ये रहे मेरे ग्लव्स काफ़ी मस्त, और ये रहा प्रसाद का टैंग बैग। तो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ये मेरा
एक्सटेंशन बोर्ड है, ये हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो ये लेके चलता हूँ, एक ही स्विच होता है मेरे, काफ़ी डिवाइस गैजेट्स चार्ज करने होते हैं। और ये रहा कुछ चेयर, पता नहीं हम लोग यहाँ पे बैठेंगे क्या नहीं। बाहर का व्यू हमारा बैक साइड का है, आगे का व्यू का रूम खाली नहीं था, ठीक है। वीकेंड है तो काफ़ी रूम्स यहाँ पे पहले से पैक्ड है। ये रहा रूम हमारा, बेड काफ़ी मस्त, एकदम अच्छी नींद आएगी रात को, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर है, आप अपने आप को देख सकते हो। तो ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे अभी जस्ट आए, जैकेट पहना, अभी तैयार होंगे और निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूम है यार, और आप लोगों ने देख ही लिया, काफ़ी मस्त रूम एकदम, ठीक है। तो बस यही सब आपको दिखाना था, और यही इतना कुछ। और हाँ, और एक चीज़, और गैलरी से बाहर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, वो रहा स्विमिंग पूल। पता नहीं हम जाएंगे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा है, पर लेट्स सी, अगर जाना है तो चले जाएंगे, ठीक है। वो रहा यहाँ पे रिसेप्शन है वो होटल का, वो भी काफ़ी मस्त है। नीचे जाएंगे तो आपको दिखाते, वो भी चेक कराते। और इसके अंदर ही यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट एरिया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे नीचे जाके खा सकते हैं। हमने सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, तो वो आपको कल दिखाते हैं, वो भी चेक कराएंगे आपको। सो गाइस, ये हमारे होटल का रिसेप्शन है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, एंड अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट का टाइम था सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का, एंड वी आर गेट्स ऑलरेडी लेट। या सांभर, आलू की सब्जी, पूरी, आलू का पराठा, ब्रेड्स, और यहाँ पे प्रसाद, ब्रेड टोस्ट करते हुए उसके लिए और मेरे लिए। हियर वी हैव जूस एंड फ्रूट्स, सम केलॉस, एंड दिस इज मिल्क। So, guys, done with the breakfast. और अभी यहाँ पे आए, सो यहाँ पे कल कुछ फंक्शन हो रहा था, एंड चेक आउट द होटल। सो ऐसा कुछ सीन है होटल, और अभी काफ़ी अच्छी धूप निकली है, और वो रहा हमारा रूम ऊपर थर्ड फ्लोर पे, झाड़ है। हाँ, तो यहाँ पे चीकू का झाड़ है, तो ये पहली बार मैंने चीकू देखे झाड़ पे। काफ़ी ठंड है, अभी धूप निकली है यार, तो भी ठंड है एकदम। काफ़ी मस्त है यार होटल, होटल इज़ गुड, काफ़ी मज़ा आया। एक को कैसे आए? बहुत बढ़िया, एंड ये एक छोटा सा रिजॉर्ट जैसे ही बना दिया इन्होंने, लाइक पूल वूल के साथ, एंड आई थिंक यहाँ पे पार्टीज भी थ्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सो यार बढ़िया मिल गया, काफ़ी काफ़ी अच्छी डील मिल गई, बहुत अच्छी डील, और मस्त होटल है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट, अगर आप लोग आ रहे हो उदयपुर, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो फैमिली के साथ, बजट में लग्जरी। हाँ, बजट में लग्जरी है, एंड अच्छी रूम सर्विस एंड सब कुछ अच्छा है, फूड भी काफी मस्त है ना, रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, चाय तो बेस्ट है गाइस। सो ये वीडियो को इतने रखते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा रूम टूर, एंड दिस इज़ प्रसाद। सो हम दोनों ने साथ में राइड किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, पहला वाला हमारा नासिक टू उदयपुर, इसके लिए मुंबई टू उदयपुर था, ये मुंबई से आया था, मैं नासिक से, हम लोग बीच में मिले थे, आप वो देख लेना वीडियो, चेकआउट करना, काफ़ी मस्त था, एक ही दिन में किया है 750 किलोमीटर के। बाकी पता ना नीचे कॉमेंट में आपको ये रूम टूर कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं और वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड आप देख लोगे उदयपुर के, ठीक है। मैं पता नहीं ये बाद में डालता हूँ उदयपुर सीरीज़ के बाद या पहले डालता हूँ, लेकिन आप देख लेना जब भी, और बाकी वीडियोस देख लेना मेरे उदयपुर के, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, टिल देन दिस इज बाइकर अमन एंड दिस इज प्रसाद, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और अभी उदयपुर सीरीज में हम दोनों आपको दिखते रहेंगे, तो ये चेहरा आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, एल्गोरिथम के लिए हेल्प करता है यार, एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। महाराजा यहाँ पे होंगे, तो उनके लिए एकदम सामने सामने मून राइज हो रहा है।